सबसे पहले जी तो मैं ये बोलूंगा, अरे हुजूर वाह ताज मत कहिए, और ये प्रोग्राम देखने के बाद लोग वाह ताज कहना बोल दे भूल जाएंगे। एक और मैं बोलूंगा, टीवी डिबेट में यहाँ के जो मौलाना वगैरह आते हैं ना, उनसे पूछते हैं जब औरंगजेब की बात होती है, देखिए ये मास्क कैसे करते हैं, कि बोलते हैं कि औरंगजेब कौन था, अरे जी वो हमारा वली था, वली। इन इन बेवकूफों को ये बताओ कि भारत की भूमि पे एक ही बलि पैदा हुए हैं, वो है बजरंग बलि, दूसरा कोई बलि पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। जो दूसरे हैं वो सब चोर डाकू लुटेरे हैं, उनको मास्क करने की जरूरत नहीं है। भारत भूमि पे एक ही बलि पैदा हुए हैं, बजरंग बलि, दूसरा कोई बलि ओली नहीं है। ये जितने हैं ये सब चोर लुटेरे, देह सुख भोगने वाले अपने, ठीक है। अब वो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। जैसा कि आपको पता ही है कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ताजमहल, प्यार या हवस की निशानी। उसके साथ ही हमारा सब्जेक्ट है कि भगवान राम के बेटे लव के नाम पर बसा लाहौर शहर। अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे सबसे पहले मेहमान है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आरिफ अजिंक्या जी, जिन्होंने लंदन से हमें ज्वाइन किया है। आरिफ जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार टू मिश्रा जी, नमस्कार टू एवरीवन। थैंक यू सर। हमारे हमारे दूसरे मेहमान हैं एके मिश्रा जी, जिनको आप जानते ही हैं, वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं और टीवी पैनलिस्ट हैं, जिन्होंने भारत से हमें ज्वाइन किया है। मिश्रा जी, आपका भी इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार, आरिफ जी को भी और आपको भी। शुक्रिया मिश्रा जी। और हमारे तीसरी मेहमान जो है वो शबनम खान खान मैम है, जो अभी बहुत जल्द हमें ज्वाइन करने वाली हैं। और शबनम खान जी भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और मीडिया पैनलिस्ट हैं। था हमारा जो आज का विषय है, मैं आप पर आती हूँ, ताजमहल प्यार या हवस की निशानी। इस पर आप सबसे पहले थोड़ा रोशनी डालिए कि हकीकत में ये सारा इंसिडेंट क्या है, सच्चाई क्या है और वो बात जो सामने नहीं आई है। देखिए, एक ऐड आता था यहाँ पे, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, उसमें बोला जाता है वाह ताज। सबसे पहले जी तो मैं ये बोलूंगा, अरे हुजूर वाह ताज मत कहिए, और ये प्रोग्राम देखने के बाद लोग वाह ताज कहना बोल दे भूल जाएंगे। सबसे पहले जी तो मैं ये बोलूंगा, अरे हुजूर वाह ताज मत कहिए, और ये प्रोग्राम देखने के बाद लोग वाह ताज कहना बोल दे भूल जाएंगे। देखिए रीजन क्या है, कुछ कल्चर पर्टिकुलरली या इस्लाम, इन सब की हिस्ट्री देखें आप इंडिया में, बहुत सारी चीजें इतने बेतरतीब तरीके से मास्क की गई हैं, इतने खूबसूरत तरीके से मास्क की गई हैं, और उसके बाद जो गली मोहल्ले के शेरो शायरी करने वाले होते हैं तथाकथित शायर, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के जो जिनके अंदर कोई एक्टिंग वगैरह कला, रियल कला तो होती नहीं है, वो आ करके उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया, ये चीज बोला कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी, ताजमहल ये भी एक षड्यंत्र था। मैं दो चार चीजें बोलूंगा, शाहजहां के कोर्ट में जो लोग थे, इतिहासकार थे, उन्होंने क्या लिखा, किसी और इतिहासकार ने क्या लिखा, ये सब छोड़ दीजिए, सिंपल लॉजिक के दम पे अगर आप ये समझिए तो कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ताजमहल जो है मोहब्बत की निशानी है, बल्कि इनफैक्ट अगर इसकी एनालिसिस करेंगे तो उसके एक एक ईंट में हवस भरी हुई है, ये हवस की निशानी है, और ये सारी चीजें मैं आज प्रूफ करूंगा, आप आपको लगेगा। देखिए सबसे पहले चीज, मोहब्बत की डिफिनेशन क्या होती है ये शुरू में डिफाइन कर लेना चाहिए, और हम ये मान के चलेंगे कि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया है, इस पे हम कोई और आर्गुमेंट नहीं करेंगे कि किसी और ने बनवाया, हम ये मान लेते हैं। देखिए किसी भी कल्चर में आप जाइए, किसी भी धर्म में जाइए, मोहब्बत की डिफिनेशन ये होती है जो नेचुरल अट्रैक्शन हो, जिसमें रुपए पैसे तलवार यानी जोर जबरदस्ती ना हो, आप कोई भी रिलीजन उठा लीजिए, कोई भी आदमी डिफिनेशन यही बोलेगा, या किसी की भी मोहब्बत दुनिया में जिसकी फेमस हुई है, जो दो प्यार करने वाले रहे हैं, वहां पे त्याग और मतलब कोई मानवीय ऐसी चीजें नहीं रही है, स्वार्थ नहीं रहा है, ये ताजमहल की पूरी कहानी ही स्वार्थ से भरी है। अब देखिए इसके बेस की हम एनालिसिस कर लेते हैं, यानी इस मोहब्बत का बेस कहाँ पे पड़ा, जो शाहजहां की वाइफ थी जिसकी याद में इसने बनवाया, उसके पिताजी जो थे वो दरबार में एक दरबारी थे, उस वक्त ऐसे षड्यंत्र बहुत चलते थे कि कैसे भी करके जो वहां का राजकुमार है, यानी कि उस वक्त शाहजहां तो जो है राजकुमार ही था, उससे शादी हो जाए,
ये चीजें विलफुली उसके फादर ने ऐसी प्रमोट की, ऐसे माहौल बनाए गए कि वहां पे शादी हुई। एक दूसरी चीज और है कि शाहजहां ने उससे शादी करने के लिए, उसकी पहले ही शादी हो गई थी, उसके हस्बैंड को पहले बोला कि तलाक दो, नहीं माना तो तलवार के दम पे उसकी गर्दन कटवाई, यानी उसका मर्डर करवाया, फिर उससे शादी की। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, आपको कहीं इन सारी एक्टिविटी में मोहब्बत दिखती है? बेस यानी ताजमहल का जो बेस बना, यानी मोहब्बत की जो बुनियाद रखी गई है, उसमें कहीं आपको मोहब्बत दिख रही है? खून खराबा और धोखेबाजी और लालच, ग्रीड जो है कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन एक दरबारी से बढ़ करके एक किंग के हैसियत से पहुंच जाएं, तो ये मैं बेस की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब कुछ और चीजें लीजिए। किस तरीके की मोहब्बत? पहले भी शाहजहां ने शादी की थी, मुमताज महल के बाद भी एक शादी की, और जब वो मर गई बच्चा पैदा करते करते, तो उसके बाद भी शायद उसने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। अब कुछ फैक्ट आप और ये देखिए, अगर वो अपनी बीबी को इतना ही प्यार करता था, तो ये मुगल बादशाह जो एक घुंघरू की घुंघरू के एक थाप पे, एक ठुमके पे इतने खुश हो जाते थे कि तवायफों को जागीरें दे देते थे, और उसने अपनी बीबी के लिए ऐसा कहीं स्पेशल जिक्र नहीं मिलता है, सिर्फ ये जिक्र मिलता है कि जी वो उसकी सबसे पसंदीदा थी और महल में उसका विशेष स्थान था। कहीं ऐसा कोई पद दिया हो, कोई अलग से जागीर दी हो, दो चार किले बनवा दिए हो, अरे जीते जी तुम्हारे पास पैसे की कमी तो थी नहीं, जीते जी उसने एक ईंट भी नहीं रखवाई कहीं पे अपनी बीबी के लिए, जिससे वो इतना प्यार करता था। अब एक चीज आप और ये देखिए, अगर कोई अपनी वाइफ से मोहब्बत करता है, मोहब्बत नहीं बल्कि मैं उसको ये मानता हूं कि उसकी जिंदगी एक सेक्स स्लेव की तरह थी, इससे ज्यादा हैसियत कुछ नहीं थी, हमें प्रेजेंट कुछ और किया जाए, उसको जबरदस्ती उससे शादी की, वो तब भी एग्री नहीं कर रही थी, अब पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उसको ये लगा कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसने वो रास्ता अपना लिया। कौन आदमी लगातार 14-14 बच्चे पैदा करेगा? और भी बहुत सारे मुगलों में बादशाह हुए हैं, हिंदुओं में हुए हैं, सब में हुए हैं, ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया। तो ये मोहब्बत का रिकॉर्ड बनाने का जो था, सबसे हैरान करने वाला लॉजिक ये है कि जब इसके वाइफ की मृत्यु हुई थी औरंगाबाद में, तो ये इसको अपनी वाइफ को साथ लेके गया था, डेक्कन पे वो अटैक कर रहा था, युद्ध हो रहा था, और साथ ले गया था, तो बच्चा पैदा करते वक्त जो है, जब डिलीवरी हो रही थी तो मर गई। इसका मतलब है कि वो 8वें महीने या 9वें महीने की प्रेगनेंसी थी। वैद्य भी होते हैं, हकीम भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं, कौन सा ये बुद्धिमानी का काम था कि तलवार लेके उसको लड़ने के लिए तुम अपने साथ लेके गए थे? क्यों युद्ध क्षेत्र में कोई 8 महीने 9 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ को कोई कितनी भी मोहब्बत करे उसको युद्ध क्षेत्र में लेके जाएगा? वो तो उसको महल में रखेगा, घर में रखेगा, जहां मेडिकल फैसिलिटी हो। फैक्ट ये भी है कि हकीमों ने ये चीजों के लिए मना किया था, हकीमों ने ये बोला कि जिल्ले लाही अब इतने बच्चे पैदा करना बंद कर दीजिए, शरीर जवाब दे जाएगा, खतरा है जो है महारानी की जान को। और जब वो लेके जा रहा था तब भी मना किया था कि भाई प्रेग्नेंट वाइफ है, आप उसको युद्ध क्षेत्र में लेके मत जाइए, घोड़ों से जाएंगे, पालकी से जाएंगे, आराम करने की सलाह सभी देती है। तो ये कैसी मोहब्बत है? देखिए यहाँ पे कहीं मोहब्बत आपको नहीं दिख रही है, यहाँ पे केवल हवस दिख रही है, जोर जबरदस्ती दिख रही है। तो जिसकी बुनियादी हवस पे, जोर जबरदस्ती पे है, केवल इंडिया में एक शायर ऐसा हुआ है, साहिर लुधियानवी, मैं सर्च कर रहा था, उसने बोला कि ताजमहल जनता के आंसुओं पे बना हुआ, आंसुओं की निशानी है, न किसी मोहब्बत की। अब दो तीन चीजें और देखिए, ताजमहल बनने के बाद उसके बेटे ने, औरंगजेब ने, शाहजहां को क्यों डाल दिया था कैद में? इसके ऊपर कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। भाई जिसने इतनी बड़ी सल्तनत दी, सब कुछ दिया, उसको क्यों? इसके पीछे एक बड़ा खास रीजन था। मोहब्बत की निशानी बनवाने में अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शाहजहां का यानी मुगल वंश की बर्बादी शुरू हो गई, सारा खजाना खर्च हो गया, 20 साल तक 22,000 मजदूर, 1,000 हाथी लगातार काम करते रहे, और वहीं से मुगल खानदान की बर्बादी शुरू हुई। और वही एक ताजमहल अगर नहीं बना होता, सैनिकों को देने के लिए पैसे नहीं बचे, राजकाज चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स और जितने पैसे नहीं बचे, और जब सैनिकों के लिए पैसे नहीं बचे तो सेनाएं कमजोर होने लगी। औरंगजेब ने इसीलिए उसको कैद में डाल दिया कि इसने सारी कमाई, मुगलिया वंश की 4-5 पीढ़ी की जो कमाई थी, वो फालतू के, जब जीते जी मतलब वो थी उसकी वाइफ, तब तो एक ईंट नहीं रखी, और मरने के बाद ये ढकोसला कर रहा था। अब ये क्यों कर रहा था वो भी सोचिए। मरने के बाद ऐसा कुछ है कि उसको गिल्ट फील होने लगा कि
फिर यहाँ पे मास्क करने के लिए कुछ मौलवियों ने किसी ने उसको सलाह दिया कि भाई आप ऐसा कर दीजिए तो आपका दुनिया में नाम होगा, वो सारे आपने जो पाप कर्म किए हैं उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। और फैक्ट है उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। मुगल जो जिल्ले लाही है उनकी वाइफ डिलीवरी के टाइम पे मर जाए, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? जो इतने बड़े भूभाग पे राज करते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी ना मिले? तो ये सारी चीजें हवस की है। भारत गुलाम हुआ तो इस ताजमहल के कारण, अगर वो पैसे खर्च, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं, कई जगह लिखा हुआ है, शाहजहां को कैद में इसीलिए डाला गया कि ऐयाशियों पर, शाहजहां बेसिकली बड़ा अय्याश था, शाहजहां के टाइम पे दिल्ली में लाल किले के अगल बगल नाचने गाने वालों की जो है कतारें लगी रहती थी, लोग घूमते रहते थे चांदनी चौक वगैरह में, और जिस थोड़ा सा भी अगर किसी के अंदर हुनर है ना, तो पता चला किसी एक तबले के थाप पे खुश होकर के, किसी घुंघरू के एक झनकार पे खुश होकर के वो जागीरें दे देता था, और जिस वाइफ से वो इतनी मोहब्बत करता था उसको उसने कुछ नहीं दिया। जरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे आइए, पैसे इतने थे नहीं, देखिए कैसे खून चूसा गया जनता का, अगल बगल के जो 3,000 गांव थे वहां से खून चूस लिया गया, पैसे कहाँ से आए? इतना टैक्स लगाया गया, बोला ये भी जाता है कि बनाने के बाद हाथ काट लिए गए कारीगरों के ताकि वो दूसरा ना बना पाए, इतनी तनख्वाहें वहां पे दी गई, जो उनके चीफ आर्किटेक्टर थे, आर्किटेक्ट था, उसको 1,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती थी, और बाकी के लोगों को जो इंपॉर्टेंट लोग थे 500 रुपए की तनख्वाह दी जाती थी। जो अपनी हवस, अपने मतलब एक जो खोपड़ी में जुनून बैठ गया उसको पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए उस वक्त बहुत ज्यादा थे। कहा यह भी जाता है कि 20 साल तक शाहजहां ने राजकाज का काम ही नहीं किया, वो दिन भर केवल ताजमहल के काम में लगा रहता था, न राजकाज करना, न एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कुछ नहीं देखना। इसीलिए तो उसके बेटों में, दारा शिकोह वगैरह में जंग हुई, और जंग होने के बाद जब ये औरंगजेब जीतता चला गया तो वो खजाने की खोज में गया, तो खजाना तो उसको मिला नहीं, वहां पे खजाने वगैरह सारे खाली थे। इसीलिए औरंगजेब नाचने गाने वालों से, वो ज्यादा इस्लामिस्ट इसलिए हो गया था, वो ज्यादा कट्टर इसलिए हो गया था क्योंकि उसने देखा उसकी बाप उसके बाप ने उसके दादा परदादाओं की पूरी कमाई जो थी वो उड़ा दी, केवल फालतू के मोहब्बतबाजी में, इश्कबाजी में उड़ा दी। औरंगजेब इस चीज के कारण बड़ा नाराज था और उसने उठा के डाल दिया उसको कैद में। भारतीय इकोनॉमी पे देखिए, कोई भी मोहब्बत की निशानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो देश को बर्बाद कर दे। मैं मतलब यूनाइटेड इंडिया की बात करता हूं, जब भारत पाकिस्तान वगैरह सब था, अंग्रेजों का प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ कि इसने इतने पैसे वहां पे लगाए, इतने पैसे वहां पे लगाए, सारा खजाना खाली कर दिया, आर्म्स एंड एमुनेशन के लिए, मिलिट्री वालों के तरबियत के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको रसद देने के लिए पैसे रह ही नहीं गए, बाकी सारे डिपार्टमेंट कमजोर होते चले गए। और औरंगजेब के बाद एक पीढ़ी और रही, वो सारी की सारी चीजें खत्म होती चली गई, अंग्रेजों ने बहुत आसानी से दिल्ली को कॉन्कर कर लिया, जो है वहां पे पूरी तकदीर ही बदल दी। केवल एक ऐसी इमारत बनाने में जिससे पूरा मुल्क गुलाम हो गया हो, पूरी उस वक्त 30-40 करोड़ की जनसंख्या रही होगी या 20-25 करोड़ की, उनकी पूरी किस्मत ही आप समझिए इतनी खराब हो गई कि किस्मत फूट गई, तो किस नजरिए से आप इसको बोलते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कुछ एक विशेष धर्म के लोगों का कि भाई इसको मोहब्बत की जो है निशानी, दुनिया में तो ऐसी मोहब्बत की निशानी ही नहीं है, इसकी पूरी हिस्ट्री से लेके इसकी जो फिलॉसफी है, जो कॉन्सेप्ट है, क्यों बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों है ये, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो चीज भी आप देखेंगे। तो इसके यहाँ एक गोल्ड स्मिथ था, इसका एक दरबारी था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, ताकि कोई कुछ बोले नहीं कि भाई उसकी वाइफ मरी, जो सबसे पसंदीदा वाइफ थी उसकी छोटी बहन से शादी कर लिया, तो कोई है तौबा ना बचाए, तो एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि ताजमहल का कॉन्सेप्ट ये था कि उसकी बेगम जन्नत में जाके जिस महल में रहेगी वो महल ऐसा दिखता है, वो महल ऐसा है। उसको मैंने वही एक दिन आपको भी बोला था कि इनके ख्याल हमेशा जन्नती होते हैं, हर चीज को जन्नत से जोड़ दो इनके सारे पाप सारे गुनाह छुप जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन हुआ था, जहां से शुरू हुई थी, वही इतना गंदा था, शोषण से भरा हुआ था, तलवार के दम पे था, कहीं से मोहब्बत नहीं आती है। देखिए मोहब्बत अगर है, भारत का नाम जो पड़ा महाराजा भरत के नाम पे, उनके माता पिता के बीच भी प्रेम हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था, आप वो कहानी पढ़ लीजिए। आप छोड़िए, मैं इन्हीं के कल्चर, हीर रांझा वगैरह का अमीरी गरीबी का कोई हिसाब नहीं था, वहां रुपया पैसा पावर का कोई गेम नहीं था, तो ये तो पूरा यहाँ पे जो था ना, वो आप देखिए रुपए पैसे पावर पॉलिटिक्स और वन साइडेड की हम तो राजा हैं जी,
तो हम प्रेशराइज करके उसको एक दासी की तरह रखा है। भाई इतनी छोटी उम्र में 14 बच्चे जो लगातार पैदा कर दे, तो वाइफ का दर्जा है कि सेक्स स्लेव का दर्जा है, आप मुझे ये बताइए। क्या इसके पहले जो इसके दादा परदादा थे जिनको एक दो लड़के हुए थे, तो क्या वो अपनी वाइफ से मोहब्बत नहीं करते थे क्या? या उससे ज्यादा ब्यूटीफुल और कोई लोग नहीं हुए थे इंडिया में? अब सारे राजाओं को मिला करके सारे थे, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ वो कोई एक असली मोहब्बत असली प्रेम नहीं था। मुझे ये लगता है कि एक्चुअल अगर कंडीशन देखी जाए, जो आदमी अपनी वाइफ को 8वें 9वें महीने की प्रेगनेंसी में भी जबरदस्ती वार फील्ड में लेकर के जाए रेदर देन महल में रखे, तो आप उसको मोहब्बत बोलेंगे? आप तो बोलेंगे कि दुनिया की सबसे जिल्लत भरी कैद, ये महल में भी रहती थी तो एक कैदी की तरह रहती थी, हमेशा उसके ऊपर निगाह रखे जाते थे, ये इतिहासकारों ने बताया नहीं, छुपा लिया, बड़ी मजबूर होकर के उसने ये शादी की थी, हमेशा उसके ऊपर निगाह रहता था। आप कोई उसकी आत्मा से पूछे तो उसको पता चलेगा कि किस हिसाब से थी। ये हिस्ट्री वगैरह लिख दी गई कि जी उसको तो ये किया वो किया ऐसे किया, एक ईंट इसने नहीं दिया, एक जागीर की कहीं जिक्र नहीं है। इतनी बड़ी जागीर इसकी शाहजहां की थी, चाहता तो एक दो टुकड़े तो दे ही देता, कहीं ना कहीं कहीं की रानी या स्पेशल वो दे देता, बस सब हवा हवाई है जी। वो दिल के बड़े करीब रहती थी, अब दिल दिल में बैठी हुई है, कैसे बैठी हुई है। एक और मैं बोलूंगा, टीवी डिबेट में यहाँ के जो मौलाना वगैरह आते हैं ना, उनसे पूछते हैं जब औरंगजेब की बात होती है, देखिए ये मास्क कैसे करते हैं, कि बोलते हैं कि औरंगजेब कौन था, अरे जी वो हमारा वली था, वली। इन बेवकूफों को ये बताओ कि भारत की भूमि पे एक ही वली पैदा हुए हैं, वो है बजरंग वली, दूसरा कोई वली पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। जो दूसरे हैं वो सब चोर डाकू लुटेरे हैं, उनको मास्क करने की जरूरत नहीं है। भारत भूमि पे एक ही बलि पैदा हुए हैं, बजरंग बलि, दूसरा कोई बलि ओली नहीं है। ये जितने हैं ये सब चोर लुटेरे देह सुख भोगने वाले अपने, ठीक है अब वो किसकी मेहरबानी रही, उनको मिल गई जो है जागीरें, मिल गई रियासत, मिल गई राजा बन गए, बादशाह बन गए। पूरी हिस्ट्री शानसा की उठा के देख लीजिए, आगरा में, आगरा और ये आपका जो है यहाँ पे लाल किला, पूरा ये नाच गाने की मंडी बना के रखा था इसने। औरंगजेब ने आते ही सबसे पहले नाच गाने वालों को भगाया, नाराज होके नाच गाने वालों को खाने के लाले पड़ गए, तो उन्होंने एक वो निकाला, मतलब जनाजा निकाला, और उस जनाजे को जब देख करके उसने पूछा, औरंगजेब ने पूछा किसका जनाजा है, उनको बुलाया, तो बोलते हैं जी ये नाचने गाने जो कला होती है, कला की जो है जनाजा है। तो औरंगजेब ने क्या जवाब दिया पता है? बोला कि मेरे बाप के टाइम में ये होता होगा, अभी तुम ये करो कि इस जनाजे को लेके जाओ और इतनी गहरी कब्र खोदो, इतनी मिट्टी डालो कि इसकी आत्मा दोबारा कहीं और फिर से जिंदा ना हो जाए। तो पूरी अय्याशी का ये है, बाप दादाओं के पैसे मिले थे, वो अय्याशी के चक्कर में उसने ये चीज लुटाया, उसका पर्पज कुछ और था बनवाने का, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपना इंडिविजुअल नाम हो जाए। इतिहासकारों ने भी वही किया, फिल्मी जो गाने बनाते हैं उन्होंने भी। अब लगातार आपको मोहब्बत की निशानी करके लोग बता रहे हैं, अरे रामचंद्र जी ने भी राम सेतु बनाया था, वो तो आप खैर चलिए छोड़ दीजिए। मैं बोलता हूँ मांझी साहब जो थे हमारे झारखंड के, मांझी द माउंटेन मैन, उनके वाइफ की भी मौत हो गई, हॉस्पिटल नहीं ले जाके, तो उन्होंने मोहब्बत, देखिए प्रेम क्या होता है, उन्होंने क्या किया, किसी ने साथ नहीं दिया, अकेले कुदाल लेके उन्होंने वो पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया कि ताकि दूसरे लोग, दूसरे मरीजों की फिर कभी यहाँ पे मौत ना हो, चाहे किसी जाति और धर्म का हो। इन्होंने क्या किया, तो ये केवल गुनाहों को छुपाने के लिए एक वो था, वो अपना एक हिस्टोरिकल ग्लैमर एस्टेब्लिश करने के लिए। किसी एक एंगल से अगर आपको मोहब्बत की निशानी दिखती है, तो मैं ग्लोबली चैलेंज करता हूं आप आकर के विद फैक्ट एंड लॉजिक, डेट और सारी चीजें मेरे पास रखी हुई है। ताजमहल के कारण ही इंडिया अंग्रेजों का जो है गुलाम हो गया, ताजमहल ही एक ऐसी चीज है जिसको बनवाने के कारण मुस्लिम जो कभी बादशाह हुआ करते थे वो भिखारी बन गए। शाहजहां के वंशज कोई रिक्शा चला रहा है बनारस में, कोई बंगाल में कलकत्ता में चाय बेच रही है, तो किसी को 10 रुपए वजीफा मिल रहा है। देखिए शिकायत, मैं, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मैं मुस्लिमों को बोलता हूँ अरे तुम शिकायत करो, जो जो तुम ये रोते हो कि हम कभी बादशाह थे और आज 10 रुपए के वजीफे पे जी रहे हो और रिक्शा चला रहे हो, तो ये तुम अपने परदादाओं की करतूत के कारण हो, उसमें किसी काफिर का हाथ नहीं है, दुनिया का हाथ नहीं है। तुम्हारे परदादाओं ने एक बेवकूफ आदमी, आज की डेट में 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है, पूरा खजाना जिसने लुटा दिया केवल ताजमहल पे, तो ऐसी अय्याशी का राजवंश कभी चलता नहीं है।
बाकी और कोई अगर स्पेसिफिक हो तो पूछिए। जी मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को कि अय्याशियां उस दौर में बड़े अपने पीक पर थी और उन्हीं का नजरिया हम लोगों के सामने दिख रहा है। रही दूसरी बात कि आज उनके वंशजों को वजीफा मिल रहा है, ये 21वीं सदी है मिश्रा जी, आज लोकतंत्र का जमाना है, आज राजे महाराजे चले गए, उनके परिवारों को अपनी मेहनत करके वो सरकारों पर।